शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सोचो कि तुमने उसे ठोकर मारनी है तो द्रौपदी वस्त्र हरण करवाने आ ही गई। अविनाश की आत्मा मौजूद है। पूजा से पूछो कि मैं उसके लिए और क्या कर सकता हूँ। उसे छूना चाहती हूँ। वो टीन का डिब्बा देख रहे हो? सोचो कि तुमने उसे ठोकर मारनी है। जाओ जाओ उसे ठोकर मारो। जाओ। तुम आत्मा हो या आदमी सोच भी नहीं सकते। सोचो कि ये टीन का डिब्बा नहीं तुम्हारे चचेरे भाई का सर है। सोचो और मारो। 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 मारो। ये हाथ नहीं तुम्हारे चचेरे भाई का जलील चेहरा है। मारो इसे। मारो। मारो। राघव तुमने मुझे छूने की शक्ति दे दी। थैंक यू। क्या मतलब? हम तो भटकती हुई आत्माएं हैं। किसी ना किसी ख्वाहिश या तमन्ना या किसी मोह की वजह से या फिर कोई अधूरा काम पूरा करने के लिए यहां भटकते हैं। लगता है तुम्हें छूने की शक्ति देने के लिए मेरी आत्मा भटक रही थी। आज मेरा यह काम भी पूरा हो गया है। अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। शुक्रिया दोस्त। शुक्रिया। जा, जा मेरी दी हुई शक्ति से अपनी पत्नी का हाथ दिला। मगर याद रखना मेरी दी हुई शक्ति से तू किसी की रक्षा तो कर सकता है लेकिन उसका कत्ल या उसका खून बिल्कुल नहीं कर सकता। अरे चोर चोर चोर। अरे पकड़ो पकड़ो चोर चोर। अरे ये क्या? चलो 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 भागो। अविनाश तुम आ गए तुम। मुझे विमल ने बहुत सताया अविनाश, बहुत सताया। हाँ अब चलो घर चले। चलो अविनाश। तो द्रौपदी वस्त्र हरण करवाने आ ही गई। हाँ मैंने तो पहले ही समझाया था कि ये भारतीय नारी का कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना और घिसा पिटा है। इसे रोज कपड़ों की तरह
बदलना चाहिए, अप टू डेट करना चाहिए, क्यों है ना? कम ऑन बेबे, कम ऑन। मानो कि अविनाश की कत्ल में तुम्हारा हाथ था, मानो कि माया ने जो खबर दी थी वो ठीक थी। मारो इसे आकाश, और मारो, मार डालो इसे। क्या हुआ? अविनाश की आत्मा मौजूद है। क्या बात करते हो? देखो मैंने खुद महसूस किया है, तुम वो माया है ना, उसके घर पे चले जाओ और उसको खत्म कर दो, ताकि अविनाश की आत्मा को बुलाने का जरिया ही खत्म हो जाए और हम जरा चैन से जी सके। इन तीन तीन का मैं क्या करूंगा? जरूरत है बाबा। वाह, देखा नहीं लोग कैसे घूर घूर के मुझे देख रहे हैं। देखने दो, तुम इस ड्रेस में कहीं की राजकुमारी लग रही हो। हाँ हाँ, राजकुमारी लग रही है। ऐसा लगता है जैसे किसी फैंसी ड्रेस में जा रही हूँ, ऊपर से मोटा सा बैग। लो बैग मुझे दे दो। हाँ हाँ।
व्हाट अ गुड आइडिया। एक तो मैं वैसे ही पागल लग रही हूँ, फिर उसके बाद लोग देखेंगे कि सिर्फ एक बैग चला जा रहा है लेकिन बैग वाला नजर नहीं आ रहा है। मैं इतनी पागल नहीं हूँ। देखो माया, बैंक पास आ गया है, अब अंदर जाके कोई गड़बड़ मत कर देना। आज तो तुम माया की कलाकारी देखना। वैसे अविनाश, हमारे मुंह पर पसीना तो नहीं है? क्यों पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे मुंह पर पसीना है। कोई पसीना वसीना नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम नहीं घबराएं, अब अंदर चलो। चलो चलो भी। जी एक्सक्यूज मी, लाइए। 25 लाख? पच्चीस लाख? जी 25 लाख। माया प्लीज अपने आप को कंट्रोल करो। कंट्रोल? पच्चीस आप जरा जल्दी कर दीजिए। आप यहाँ साइन कीजिए प्लीज। मैडम मेरा पेन। ये पैसे मुझे कहाँ मिलेंगे? 5 मिनट वेट कीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। आप जरा जल्दी कर। अविनाश, अविनाश तुम मेरे पास ही रहना, पूरे 25 लाख। माया वाले, माया प्लीज अपने आप पर काबू रखो। कैसे काबू रखो? बंदूक तैयार है? हाँ मैडम। गोली है? हाँ मैडम। तैयार रखना बंदूक, क्योंकि आजकल बैंकों में डकैती बहुत हो रही है। मैडम घबराओ मत, घबराओ मत मैडम। नहीं घबराएगा, 25 लाख है। पांच लाख, 6 लाख। माया जल्दी करो। 20 लाख? 30 लाख? 21 लाख? 22 लाख? 23 लाख? 24 लाख? 25 लाख? आपने तो एक झटके में ही मुझे 25 लाख रुपए दे दिए। भगवान आपको तरक्की दे, आपके इस बैंक को तरक्की दे। अब सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत कामयाबी। हाँ जी नमस्ते, नमस्ते। माया जल्दी चलो। क्यों? हाँ चल रही हूँ, चल रही हूँ, चलो। ला, 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 25 लाख। माया को लगा तो नहीं? अरे आखे या बटाटा। क्या? एक राजकुमारी से टकराने की सजा जानते हो तुम? क्या माया ये? अरे तुम चुप रहो, अच्छे खासे नजर आते हो। हाँ अगर थोड़े लंगड़े लूले होते तो हम तुम्हें माफ कर देते, लेकिन अब तुम हमसे कहोगे आई एम सॉरी और हम तुम्हें फिर से माफ कर देंगे। पूछो क्यों? क्योंकि हम 25 लाख की आसामी है। माया तुम जानती नहीं हो तुम किससे बात कर रही हो। अरे हो जो हो भाई, हम भी कोई कम नहीं है, पूरे 25 लाख की आसामी है हम। माया यही मेरा चचेरा भाई है। अरे होने दो भाई, तो हम कोई कम है, हमने कहा ना पूरे 25 लाख की आसामी है, इसे भी पता चलने दो। माया यही मेरा कातिल है। हाँ तो माया आगे कुछ मत बोलना प्लीज, चलो यहाँ से, चलो जल्दी। माया पागल लगती है। गुड मॉर्निंग मैनेजर साहब। गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठिए। हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैनेजर साहब ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, मैं अविनाश सक्सेना का कानूनी वारिस हूं। आई सी। मिस्टर विमल सक्सेना, 100 रुपए के लिए आपका ऑर्डर लाने की जरूरत? 100 रुपए? जहां तक मेरी जानकारी इसमें 25 लाख रुपए होने चाहिए। भाई थे, बिल्कुल थे, लेकिन अभी अभी मेघालय की राजकुमारी 25 लाख रुपए ले गई। क्या? और आपने दे दिए? अरे भाई देने ही थे, मिस्टर अविनाश सक्सेना ने बैरर चेक जो भेजा था, आई हैड टू पे। अविनाश सचमुच कितनी अच्छी आत्मा हो तुम, पूरे 25
30 लाख रुपए? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा दिल इतना इतना बड़ा हो सकता है। मैंने तो उसी दिन सोच लिया था कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो एक ना एक दिन मुझे उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा, और आज तुमने मेरे को बहुत ही अच्छा फल दिया। और अब मुझे ये भी मालूम है कि तुम मुझसे क्या कहोगे। मैं क्या कहने वाला हूँ? तुम मुझसे ये कहोगे कि माया आज से तुम ये छोटे मोटे काम करना बंद कर दो। मैंने तो आज से इसी वक्त से अभी से सब कुछ बंद कर दिया। मेरी कसम, मेरी माँ की कसम, भगवान की कसम, मैंने सब कुछ बंद कर दिया। ठीक है ठीक है, आप चले यहाँ से। चलो। कौन? पूजा, अविनाश आया है। अविनाश कहाँ है? मैं तुम्हारे करीब हूँ पूजा। अविनाश तुम्हारे करीब है पूजा? मेरे करीब? हाँ, तुम्हारे करीब होकर भी बहुत दूर हूँ मैं पूजा। अविनाश तुम्हारे बहुत करीब होकर भी तुमसे बहुत दूर है। अविनाश, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मेरे करीब हो। तुम जानते हो मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। मैं जानता हूं पूजा। अविनाश जानता है पूजा। आई लव यू पूजा। माया, पूजा से पूछो कि मैं उसके लिए और क्या कर सकता हूं। अविनाश पूछ रहा है कि वो तुम्हारे लिए और क्या कर सकता है पूजा। मुझे मेरा अविनाश चाहिए। मैं फिर से उसके करीब आना चाहती हूँ, उसे छूना चाहती हूँ, उसकी खुशबू को महसूस करना चाहती हूँ। काश ऐसा हो सकता पूजा। ऐसा हो सकता है अविनाश। तुम्हारी दूरी दूर करने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। क्या? मुझ में समाकर तुम अपनी मोहब्बत की दूरी को दूर कर सकते हो अविनाश। आओ अविनाश, आओ।
मेरे साथ विश्वासघात किया है। मेरे प्यार का ये नतीजा? भाई बनकर मेरी पीठ में छुरा घोंपने वाले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे मैंने ऐसी कौन सी कमी दी थी जो तूने मेरी पूजा की मांग को सुना कर दिया? गुनाह करते हुए आंखें बंद कर लेने वाले, तू ये मत समझ के दुनिया तुझे नहीं देख सकती। मर गए हो विमल। नहीं, अब तुम्हें एहसास होगा कि मौत कितनी भयानक होती है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम बौखला गए हो विमल। जिंदगी की धड़कनें जब मौत के पिंजरे में कैद हो जाती हैं, तो इंसान इसी तरह बौखला जाता है जैसे कि तुम। वो देखो तुम्हारा गंदा मरा हुआ शरीर विमल। विनाश, तुम्हारे प्यार की कशिश ने भगवान को भी मजबूर कर दिया। आई लव यू पूजा, आई लव यू। दुनिया तक भूल नहीं पाऊंगा। मैं भी तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी अविनाश। दूसरों के काम आकर जो खुशी का एहसास होता है, वो खुशी तुमने मुझे दी है। मैं तुम्हें एक और जिम्मेदारी दिए जा रहा हूं। वादा करो, वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम मेरी पूजा का ख्याल रखोगे। मैं वादा करती हूं अविनाश। पूजा, खैर अविनाश, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती अविनाश। नहीं पूजा, तुम्हें जीना ही होगा। तुम्हें जीना होगा हमारे इस नन्ही सी निशानी के लिए। मुझे
मुझे छोड़ के मत जा माँ, नहीं तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ, ऐसा मत कर माँ, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। पूजा अपने अविनाश के पास चली गई है राकेश, वो तुम्हें जिस मंदिर पर देखना चाहती थी आज तुम उस मंदिर पर पहुंच चुके हो। मुझे माँ से बहुत कुछ बातें करनी थी, बहुत कुछ। फिक्र मत करो, तुम्हारा जब भी अपनी माँ से बात करने का दिल चाहे तो मेरे पास चले आना, मैं हूं ना।